स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं कि किडनी का क्रॉस सेक्शन काट के, यानी काट के किडनी को देखते हैं कि किडनी के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी की क्या होती है। देखिए, हम लोग जब क्रॉस सेक्शन किसी भी ऑर्गन का पढ़ते हैं तो क्रॉस सेक्शन दो टाइप के होते हैं, यानी एक तो आप उसको इस तरह वर्टिकली कट करें, ठीक है, जिसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन, या उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली कट करें जिसको ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन जो होता है, या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जिसे कहते हैं, उसको हम कहते हैं LS, ठीक है, यानी ऐसे लॉन्गिट्यूडनली कट करना किसी भी ऑर्गन को, वो LS कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे इस तरीके से हॉरिजॉन्टली कट करते हैं बीच में से, तो ये कहलाता है TS, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो LS लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, TS ट्रांसवर्स सेक्शन। हम लोगों को किडनी को अगर स्टडी करना है तो हम इसका LS लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं, और इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर जो किडनी का होता है उसमें क्या क्या चीज़ होती है। जब हम किडनी का LS लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं, तो इस LS में, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, अगर आप देखेंगे कि किडनी दो डिस्टिंक्ट रीजन में डिवाइडेड है, दो डिस्टिंक्ट फंक्शनल रीजन में डिवाइडेड है। एक रीजन ये आपको आउटर दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, और एक ये इनर ब्लू कलर से जो सारा बना हुआ है ये दिखाई दे रहा है आपको, मेड्यूला, दिस इज कॉल्ड मेड्यूला। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि कॉर्टेक्स और मेड्यूला की जो ये टर्म्स हैं, ये पर्टिकुलरली किडनी के लिए ही इस्तेमाल नहीं होती। बॉडी के तमाम ऑर्गन जिसको आप लॉन्गिट्यूडनली कट करें, यानी LS उसका लें, और उस LS लेने के बाद उसका एक आउटर फंक्शनल रीजन हो और एक इनर, यानी दो डिस्टिंक्ट फंक्शनल रीजन में वो डिवाइडेड हो, तो आउटर रीजन कॉर्टेक्स कहलाता है और इनर रीजन जो उसका मेड्यूला कहलाता है। अब अगर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स में आप कट करने पर दो डिस्टिंक्ट रीजन देखते हैं, तो आउटर को कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर को मेड्यूला कहते हैं। ये जो कॉर्टेक्स, चूंकि किडनी का कॉर्टेक्स है, इसको हम रीनल कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं और रीनल मेड्यूला भी कह सकते हैं। इस तरह लिम्फ नोड्स में भी कॉर्टेक्स मेड्यूला होते हैं, और ग्लैंड्स कुछ होते हैं उसमें भी कॉर्टेक्स मेड्यूला होता है, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है किडनी के टॉप के ऊपर ही मौजूद होता है, यानी किडनी के टॉप पर एक ग्लैंड भी होता है, इसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ये ग्लैंड हम बाद में ही डिस्कस करेंगे, जब ग्लैंड के ऊपर पढ़ेंगे तभी इसको डिस्कस करेंगे। बहरहाल, ये रीनल कॉर्टेक्स है, रीनल मेड्यूला है। रीनल कॉर्टेक्स डार्क कलर का रीजन होता है, जबकि रीनल मेड्यूला जो होता है ये थोड़ा सा लाइट कलर का रीजन होता है। अब रीनल मेड्यूला जो है, इसमें आपको ये एक पिरामिडल शेप या त्रिकोण इस तरह से बनी हुई स्ट्रक्चर कुछ दिखाई दे रही है। ये एक पिरामिडल स्ट्रक्चर होती हैं जिनको हम पिरामिड ही कहते हैं, यानी पिरामिड ही इनको हम कहते हैं। ये इस टाइप की बनी हुई स्ट्रक्चर होती हैं कुछ, ये पिरामिड्स कहलाती हैं, ये पिरामिड्स कहलाती हैं, ठीक है। ये जो यूरिन फॉर्मेशन का जब प्रोसेस होता है, इस यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस में इन पिरामिड्स की जो टिप्स हैं, यानी ये जो टिप्स बनी हुई हैं पिरामिड्स की, इन टिप्स से ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन निकल रहा होता है, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप यूरिन यहाँ से जो है ना वो रिलीज हो रहा होता है। अच्छा, इस यूरिन को कलेक्ट करने के लिए आप देख रहे हैं कि ये एक रेड कलर की एक स्ट्रक्चर आपको बनी हुई दिखाई दे रही है, यूं करके ये कहलाती है यूरेटर, ठीक है, ये यूरेटर है। यूरेटर वो ट्यूब होती है जो किडनी से निकलती है, यूरिन को कलेक्ट करके आती है यूरिनरी ग्लैंडर में। ये पिछला लेक्चर हमारा एक मौजूद है जिसमें ये यूरेटर, यूरिनरी ग्लैंड सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं, आप देख सकते हैं, इसका लिंक भी मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। ये जो यूरेटर है ये अंदर से अराइज होता है, यानी किडनी के, और अंदर से बिल्कुल ये फनल शेप की स्ट्रक्चर में होता है, यूं करके, ठीक है, ये ऐसे फनल शेप की स्ट्रक्चर में होता है। और ये फनल शेप स्ट्रक्चर जो होती है, तमाम पिरामिड्स की जो टिप्स हैं इससे यूरिन को कलेक्ट करती हैं, और ये यूरिन इस यूरेटर के जरिए से यहाँ पर आता है, और ये यूरेटर इसको यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को ले जाता है, वहाँ पर स्टोर करता है। इस यूरेटर की जो फनल शेप स्ट्रक्चर है जो कि यूरिन को कलेक्ट कर रही है तमाम पिरामिड्स की टिप्स है, इसको दिस इज कॉल्ड पेल्विस, इसको हम पेल्विस कहते हैं।